अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है हमारे साथ नवाज मौजूद हैं, सीईओ ऑफ द शेयर सिक्योरिटीज। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं एंड आज की मार्केट की अपडेट्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। जी सर, सिर्फ आज जैसे कि जो है वो मंडे था, फर्स्ट डे था वीक का, तो आज जो है वो हमने कुछ चीजों में जो है वो एग्रेसिव बाइंग देखी, और जैसे कि फेडरल बैंक में और यूनिटी वगैरह में, और कुछ चीजों में जैसे कुछ सेक्टर्स में जैसे कि स्टील सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और सीमेंट सेक्टर की बात करें तो हम लोग की सेलिंग आती रही। तो इसकी क्या वजह थी? क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ दिनों से काफी अच्छी न्यूज आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद आज जो है वह एग्रेसिव बाइंग नजर नहीं आई इस सेक्टर में, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, आज की मार्केट में हमने देखा मार्केट तो 1000 पॉइंट पॉजिटिव थी, फिर मार्केट तकरीबन कुछ 450 पॉइंट्स के करीब पॉजिटिव क्लोज हुई है। और आज ओजीडीसी एंड पीपीएल में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट था। तकरीबन आज पीपीएल 3.5 रुपए पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो आई थिंक इनमें भी काफी अच्छा इंटरेस्ट था। बस मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट होती है प्लस, और जैसे ही दोबारा वो 80,000 के लेवल्स के ऊपर जाती है, थोड़ा एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। और फिर जो है वो तो मार्केट में थोड़ी सी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी टुवर्ड्स द एंड, बट ऐसी कोई बात है नहीं या ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से जो है वो कोई प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो। आई थिंक ये एक नॉर्मल मार्केट अब बिहेव कर रही है। आज इन्फ्लेशन का नंबर आया, बहुत अच्छा नंबर है, 12.6%। इंटरेस्ट रेट्स कट होने के चांसेस हैं, तो हम ओवरऑल जो है वो सीमेंट्स में एक्टिविटी जो है, या साइक्लिकल स्टॉक्स में जो एक्टिविटी, वो आगे देख सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव ही लग रहा है आगे चलते हुए, तो ऐसी कोई खास वजह नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। सर, ओटीडीसी की अगर बात की जाए तो जो सर्कुलर डेप्ट की जो पेमेंट ओटीडीसी को मिलनी है, तो क्या ये पेमेंट कैश में मिलेगी या एडजस्टमेंट कर लेगी गवर्नमेंट? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सिर्फ जो है वो 10 अरब डॉलर जो है वो कैश मिलेंगे, बाकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो क्या आपकी क्या अपडेट है? जी देखिए, इसमें जो प्रिंसिपल जो था वो पूरी कैश में पेमेंट होगी। इसके अलावा जो जो मार्कअप पेमेंट्स हैं वो तो अगले साल से जो है वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होंगी, तो इस तरीके से नहीं होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री हो। ये एक प्रॉपर कैश ट्रांजैक्शन होगी। सही सर, जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट पे जो है वो वॉल्यूम नहीं था एज सच, ना इन्वेस्टर्स जो थे कुछ गायब थे, तो एक अजीब सा जैसे कि माहौल था, तो क्या वजह है? क्या ये कोई बड़ी करेक्शन आ सकती है, इसलिए जो है वो ये आज जो है वो सिनेरियो था? तो आपका क्या जो है वो अपडेट? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि जो है वो आज बैंक हॉलिडे भी थी। बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ही सिलेक्टिवली ट्रेड करता है। इसके अलावा जो है वो साल का पहला ट्रेडिंग डे था, लोग इन्फ्लेशन के नंबर का वेट कर रहे थे। फिर बजट पास होने के बाद जो है वो आज पहले दिन फाइनेंस एक्ट का था, तो लोग टैक्सेशन के मेजर समझ रहे थे कि किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो ओवरऑल जो है वो मार्केट का मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड था, तभी वॉल्यूम्स कम थे। बट जैसे जैसे हम जो है वो IMF प्रोग्राम के करीब बढ़ते जाएंगे, फिर क्वार्टर रिजल्ट सीजन हमें लग रहा है कि आगे बस सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से बोर्ड मीटिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी की डेट अनाउंस होगी, तो आई थिंक जैसे जैसे ये ट्रिगर्स आते रहेंगे तो फिर मार्केट में एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन बढ़ती लग रही है। सही सर, जैसे कि ये रिजल्ट सीजन है, तो रिजल्ट सीजन में आपके कौन से टॉप सेक्टर्स हैं या कोई टॉप कंपनीज जो है वो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, इस क्वार्टर में ENPs के काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। OGDC, PPL, POL का डिविडेंड बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो हर क्वार्टरली डिविडेंड देता है, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर हर क्वार्टर डिविडेंड देता है, फिर पावर सेक्टर में हम डिविडेंड्स देखेंगे। तो आई थिंक ये जो ब्लू चिप सेक्टर्स हैं इनके काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फिर जो हम सीमेंट सेक्टर के भी रिलेटिवली बेहतर रिजल्ट्स देखेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, क्योंकि डिस्पैचेस जो है वो पिछले 1-2 महीने से बेहतर रही है, और कोल प्राइसेस भी नीचे थी, तो इनके मार्जिन्स भी इस क्वार्टर में बेहतर रहे हैं। तो आई थिंक मेजर ये जो टॉप सेक्टर्स हैं, ENP, बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, पावर, इनके जो है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सही सर, केमिकल सेक्टर जो है वो काफी दिनों से जो है वो नॉन परफॉर्मिंग नजर आया, और ऑटो पार्ट्स भी, ऑटो सेक्टर का ऑटो पार्ट्स भी, ये दोनों जो है वो काफी दिनों से नॉन परफॉर्मिंग नजर आ रहे हैं, तो क्या खास वजह है? क्या इम्पोर्ट बंद है, क्या
इम्पोर्ट बंद होने की वजह से ये सिनेरियो है, या टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? क्योंकि केमिकल सेक्टर जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, और ऑटो सेक्टर तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसका ऑटो पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, ये आपने जो सवाल किया विद रिगार्ड्स टू केमिकल सेक्टर के इंटरनेशनल मार्केट्स में मार्जिन इस वक्त काफी वीक हैं, और वही आपके जो है वो ट्रांसलेट होते हैं टू देयर प्राइसेस। तो आई थिंक इसी वजह से हम ईपीसीएल डॉट कैन या केमिकल सेक्टर एज अ होल में कोई खास एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी सी प्राइसिंग बेहतर होगी, मार्जिन बेहतर होंगे, तो वहां पर जो है वो फिर हम सेक्टर में इंटरेस्ट देखेंगे। जो आपका सवाल ऑटो पार्ट सेक्टर से है, हमने देखा कि जो है वो थोड़ी सी बेहतर मूवमेंट्स थी ऑटो पार्ट्स में, खासतौर पर थल में पिछले दिनों में, बाकी जनरल टायर में अच्छी मूवमेंट थी, पर हमने बैटरीज में अच्छी मूवमेंट देखी एक्साइड और एटलस बैटरी में। आई थिंक स्टॉक्स जो है वो ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ऑटो पार्ट्स भी हमारी टॉपिक्स में है और हमें लगता है कि ये वाला सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो रिफाइनरी सेक्टर की जो कमिंग क्वार्टर सुना है कि इतना अच्छा नहीं होगा, तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट में रिफाइनरी सेक्टर में जो डिविडेंड आता है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड आएगा? वैसे तो रिफाइनरी सेक्टर हमारी कवरेज में है नहीं, बट मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बड़ा डिविडेंड हमें रिफाइनरी सेक्टर से एक्सपेक्ट करना चाहिए। ATRL पॉसिबली दे सकता है, बट जो है वो वो ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई कोई जो है वो कोई 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 मेजर डिविडेंड से एक्सपेक्ट करना चाहिए। सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, कल जो सेकंड डे है ट्रेडिंग का, तो आपके क्या टॉपिक्स हैं और कुछ सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को किस पर फोकस करें? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये कि मुझे सीमेंट्स यहाँ से बेहतर लगता है, जो बजट में टैक्सेस बढ़ाए थे FED, वो आज के दिन में जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने पास ऑन कर दिए हैं। हमने देखा कि सीमेंट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी इस मंथ में एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक ये एक अच्छा सेक्टर रहेगा लाइमलाइट में। इसके अलावा मुझे ENP सेक्टर, खासतौर पर OGDC PPL काफी बेहतर लग रहे हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स से रिकमेंड मैं करूंगा यहाँ से ENP और सीमेंट्स पर फोकस करें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, एंड थैंक यू सो मच। आपको जो है आगे आने वाला सेशन में इनवाइट करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।